क्या आपका भी किसी ने WhatsApp नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ब्लॉक रहते हुए भी बिना आप अपना नंबर चेंज किए अपने खुद के ही नंबर से उससे जितना चाहें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, जो आप चाहें भेज सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिए, क्योंकि एक एक सेकंड इसका बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बस आप वीडियो को फुल वॉच करते रहिए, उसके बाद आप भी किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको करना क्या है कि आपको थोड़े देर के लिए एक दूसरे फ़ोन का यूज करना है, ठीक है फ्रेंड, बस थोड़े देर के लिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी एक फ़ोन होगा तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन घर में फ़ोन नहीं है तो आप किसी का फ्रेंड वगैरह का भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अपने ही फ़ोन में दो WhatsApp क्रिएट कर लेना, बस थोड़े देर के लिए इस WhatsApp का यूज़ करना, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अभी आप अपने ही नंबर से किस तरीके से उसे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो आपको क्या करना है, उस फ़ोन में जो एक नया WhatsApp है उसे ओपन कर लेना है। अगर मान लीजिए आपके फ़ोन नहीं मिला तो अपने ही फ़ोन में आप एक नया WhatsApp क्रिएट कर लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने ही फ़ोन में दो WhatsApp क्रिएट कर लिया। यह मेरा वो नंबर है जिसने उसने ब्लॉक करके रखा है, इस WhatsApp को क्या कहा है, उसने ब्लॉक करके रख दिया है। तो मैंने क्या किया, इस दूसरे WhatsApp को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके और लॉगिन कर लिया। आपको क्या करना है, एक नया WhatsApp उपयोग में लाना है, ठीक है फ्रेंड, बस उसे ओपन करना है। और इस WhatsApp में आपको क्या करना है, पहले से ही अपना नंबर और जिसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है उसको पहले इस फ़ोन में सेव कर लेना, यानी कि इस WhatsApp में सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन दिख रहा होगा, आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ न्यू ग्रुप दिख रहा होगा, आपको न्यू ग्रुप पर क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अभी वीडियो मत छोड़ देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बाकी है, मैं उसको अभी आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सर्च करना है आपको अपना नंबर, ठीक है फ्रेंड, और जिसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है उनका नंबर। दोनों नंबर को क्या करना है, सर्च करके या ढूंढ के आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कोई एक नाम लिख देना है, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है फ्रेंड, हेलो हाय एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही वाले निशान पर क्लिक कर देना है। उससे अब होगा क्या, एक छोटा सा ग्रुप बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ग्रुप में आप और आपका फ्रेंड जिसने आपका नंबर ब्लॉक करके रखा है और जिस मोबाइल से इसको बनाया है, इसमें तीन लोग होंगे। तो आपको क्या करना है, बस अब इस WhatsApp से इस ग्रुप को क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। डिलीट कर देने के बाद अब इस ग्रुप में आप और आपका जिसने नंबर ब्लॉक कर दिया है दो ही लोग बचेंगे। तो आप इजीली जो उस ग्रुप में मैसेज करेंगे जिसने आपका नंबर ब्लॉक किया है उसके पास जाता रहेगा, कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो ग्रुप से एग्जिट हो जा रहा है, यानी कि ग्रुप से वो डिलीट कर देता है अपने फ़ोन से, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको एक नया ग्रुप बना लेना है। ऐसे ही करके आप मैसेज कर सकते हैं अपने खुद के ही नंबर से। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।